डाल रही हूँ 50 ग्राम सोयाबीन। गैस को बंद कर देंगे और अब सोयाबीन को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के कटे हुए आलू। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ ज़्यादा तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। A few moments later. आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तेल गर्म है। अब इसी तेल में सोयाबीन को भी फ्राई कर लेंगे। इसको ठंडा करके अच्छे से निचोड़ कर इसका पानी निकाल लिया है। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। A few moments later. ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी तेल में ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी साबुत जीरा। इन सबको हल्का सा पका लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। A few moments later. प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लहसुन और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मसालों को चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इसे भी मसालों के साथ मिला लेंगे। A few moments later. मसालों को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पीसी हुई टमाटर। टमाटर को भी मसालों के साथ मिलाते हुए 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब इसे ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर मसालों को चेक करते रहेंगे। A few moments later. 5 से 6 मिनट हो गया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसाले कितने अच्छे से भून गए हैं। मसालों में से तेल भी निकल आया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए आलू और फ्राई किए हुए सोयाबीन। इन सबको मसालों के साथ मिलाते हुए 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इन सबको मिलाते हुए 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे ढक कर 4 से 5 मिनट पकने देंगे। A few moments later. 5 मिनट हो गया है। अब सब्जी को चेक कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स सब्जी कितनी अच्छी बनी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी बनकर तैयार है।